अनीता बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है, क्योंकि उसका विवाह होने वाला था। क्योंकि विवाह की खुशी दोस्तों कुछ अलग होती है, जिसकी शादी हो जाती है वो भी खुश होता है और नहीं होती है वो भी खुश होता है, लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, थोड़े समय के बाद ये फिर दुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो अनीता की बारात आने वाली थी, बारात के लिए वो अपने तैयारियां कर रही थी, कार्ड बंटवा रहे थे, कार्ड बांटे जा रहे थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बेटी की डोली उठने से पहले और अनीता के पिता की डोली उठ जाएगी। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, बने रहिए मेरे साथ। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जागरूकता, ये जानकारी जो हम दे रहे हैं, और अच्छी लगे तो वीडियो सब्सक्राइब आवर से करें, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ये प्रतापगढ़ की कहानी है, ये सच्ची घटना है, मैं बताने जा रहा हूँ। एक संजीवन जी वर्मा होते हैं, उनके चार बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। बेटा होता है सबसे छोटा होता है, वो स्कूल में पढ़ता है और पिता एक मजदूरी करते हैं। जिनकी चार बेटी होती हैं अपना भरण पोषण करते हैं। दो बेटियों का विवाह ये पहले कर देते हैं। पहले करने के बाद अनीता जो तीसरे नंबर की बेटी होती है, ये बहुत सुंदर थी। उन्होंने विचार किया बेटी का विवाह हम बड़े धूमधाम से करेंगे। करने के लिए उन्होंने विचार किया होता है, किसी ने बताया कि पड़ोस के गांव में 10-15-20 किलोमीटर एक लड़का बहुत सुंदर है, तुम्हारी लड़की के योग्य, अगर शादी वहां कर दी जाए तो कैसा रहेगा। वर्मा जी होते हैं तैयार, हो जाते हैं, बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अपनी बेटी का विवाह रिश्ता अवश्य कर देंगे। दोस्तों बेटी का रिश्ता अगर अच्छे घर में मिल जाए ठीक होता है। साथियों को लेकर जाते हैं और वहाँ अच्छा घर देखते हैं, लड़का अच्छा होता है, लड़की भी योग्य होता है, तो वो वहाँ पर रिश्ता तय कर देते हैं। जब रिश्ता तय हो जाता है दोस्तों, होने के बाद बारात का जो निश्चित समय होता है, जो डेट दी होती है, बारात की तैयारियां होती हैं। इधर लड़की के पक्ष के लोग बारात के स्वागत के लिए टेंट लगवाते हैं, दावत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। घर में बड़े सब लोग रिश्तेदार आए हुए थे, बड़ा प्यार से आवभगत से काम चल रहा था, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि ये समारोह थोड़ी देर में ही मातम में बदल जाएगा, यहाँ पर मातम पसर जाएगा, क्या होने वाला है किसी को पता नहीं होता। दोस्तों बड़े धूमधाम से बारात आती है, गाजे बाजे के साथ जब बारात आती है, बारात का स्वागत किया जाता है और उधर सब लोग दावत खा रहे होते हैं। जो अनीता के पिता होते हैं, ये जहाँ जयमाला कार्यक्रम होता है, जहाँ स्टेज लगाई जाती है, अब परंपरा चल गई है, तो वो वहाँ देखने जाते हैं कि जयमाला में कितना समय है, कितनी देर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे ही वो जयमाला स्टेज के पास जाते हैं दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि यही हमारा समय अंत है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, मजदूर तो थे, गरीब थे बेचारे, और जैसे ही लोहे का पाइप पकड़ते हैं, अकस्मात उसमें करंट चल रहा होता है, लाइट चारों तरफ लगी होती है, वो वहीं गिर जाते हैं। गिरते हैं तो लोग जो होते हैं उन्हें देखते हैं कि इन्हें क्या हो गया, जब देखा जाता है तो उसमें करंट होता है। उन्हें तुरंत ही किसी को बिगर बताए, रिश्तेदार घर वाले तुरंत ही गाड़ी में बैठाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें मृतक घोषित कर देते हैं कि इनकी तो मौत हो चुकी है। अब तो मानो जो लोग साथ गए थे, कांटे खून नहीं है। घर पर फोन करते हैं कि बारात क्या कर रही है, जो दो चार बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे कहा जाता है कि ऐसे ऐसे पिताजी की डेथ हो चुकी है, अब क्या करना है, बारात चार द्वार पे है, दरवाजा हो चुका है, जयमाला शादी होनी ही बाकी है सिर्फ, अब क्या होगा। तो कुछ लोग समझदार होते हैं कि अब इससे आगे हो क्या सकता है, बारात तो लौटारी नहीं जाएगी, विवाह कर दिया जाता है जल्दी जल्दी में। बोले मुहूर्त नहीं है, विवाह वहां मैंने डाल दी जाती है। और उधर ये कहा जाता है कि किसी को घर पर बोलना नहीं, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं चलता है। उसके बाद में जब बेटी की डोली उठती है घर से, तो बेटी पिता के लिए रोती है। बेटी अपने पिता के लिए रो रही थी कि मेरे पिता कहाँ हैं, अंतिम विदाई है मेरी,
लेकिन उस बेटी को कहाँ मालूम था कि मेरे पिता इस संसार में अब नहीं है। बेटी का दिल कुछ अलग होता है। अनीता अपने पापा पापा कहकर चिल्लाती है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि वो बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो मृतक हो चुके थे। गाड़ी में बैठाते हैं और बारात को जैसे भी होता है भनक तो गांव में लग जाती है, लेकिन उधर किसी को परिवार में नहीं बताया था। उधर उस बेटी को विदा करते हैं, विदा करने के बाद ही उस घर में मातम पसर जाता है। सब लोग रोने में जुट जाते हैं, हाहाकार मचने लगता है, पूरे गांव के आंसू नम होते हैं, आंखों में सब लोते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोस्तों, जब उनकी डेड बॉडी को लाया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, और उधर जब वो बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती है, जो नियम के अनुसार तो मालूम तो वहां भी था, उसके बाद में जब बेटी को पता चलता है कि तुम्हारे पिता की डेथ हो चुकी है, मर चुके हैं, तो बेटी अपना सर दीवार में मार देती है, सर फूट जाता है और बहुत तेजी से रोती है, पिता तुमने आखिरी कंधा, न मैंने तुम्हें देख पाया, ना आपने मुझे देख पाया, मेरा विवाह कैसा, किस किस्मत में, किस मुहूर्त में हुआ था। अब बेटी खुद पछताती है। वहां से गाड़ी की जाती है, उसे लेकर के आया जाता है, पिता को दिखाया जाता है, लेकिन जो होना था दोस्तों वो हो गया, क्योंकि बेटी और पिता का संबंध ही कुछ अलग होता है। क्योंकि पिता कैसा भी हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, पिता तो पिता होता है। वहां आकर के उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद में सब लोग कहते हैं कि शादी के समय का मुहूर्त नहीं देखते, लेकिन मुहूर्त इस जगह कोई काम नहीं करता, समय बड़ा बलवान होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पिता पुत्री का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, क्या किसी को मालूम था, उस लड़की को मालूम था कि मेरी जिंदगी में मेरे विवाह के समय मेरे पिता मर जाएंगे, मुझे मेरी शादी में कलंक लगेगा, क्या उसे ऐसा मालूम था? नहीं मालूम था। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपनी बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे कोई भी हो, सबको इंतहा प्यार करो, क्योंकि समय का कोई पता नहीं होता, किस जगह किस घड़ी समय आ जाए और आप संसार छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि भगवान ना करे जो किसी को इस प्रकार से अपने से बिछोड़ा जाए, लेकिन जो वहां समय लिखा हुआ है वो निश्चित होना है, फिर रोने की आवश्यकता क्या है। दोस्तों, रोना तो पड़ता ही है। इस कहानी को सुना करके किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं है, केवल आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाने का हमारा मतलब था कि एक पिता और पुत्री का रिश्ता कैसा होता है, जो अंतिम समय में पिता बेटी से नहीं मिल पाए थे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।